हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंट्रेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फ्रोडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे। गाइस, तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर और इस चैनल पर। अगर आप लोग पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आप लोगों की एनर्जीज़ को डिस्कस करेंगे, आपकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर क्या कहती हैं। यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कॉइन्स, द सन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और ऑन द अदर हैंड फीलिंग्स वाइज आपकी एनर्जीज बनी हुई हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड द जस्टिस। तो जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आप एक बैलेंसिंग एक्ट में आने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने लाइफ के सभी एरियाज पर बने रहना चाहते हो। रीज़न ऐसा हो सकता है कि आप लेफ्ट आउट नहीं रहना चाहते, मतलब एक बैलेंस बनाना आप सीख रहे हो, या फिर आपने या तो बैलेंस बना लिया है। इवन दो आपके मन में अभी भी बहुत सारी एक तरह की कॉन्टम्पलेशन है, इवन एक तरह का इनर स्ट्रगल है, आप बहुत सारी चीज़ों को अभी भी अंडरस्टैंड नहीं करते हो, अपने पर्सन से रिलेटेड अभी भी आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी नहीं देख पाते होंगे, लेकिन फिर भी एक ऑप्टिमिज्म रखना आपने या तो सीख लिया है, या फिर आपने अपने लाइफ में रास्ते ऐसे ढूंढ लिए हैं कि अगर एक एरिया आपकी लाइफ का अलाइनमेंट में नहीं है तो आप सफ़र ना करें वहाँ पर, आपको हिट ना करें वो सारी चीज़ें। आप खुद को बैलेंस रखने के लिए, खुद को ग्राउंडेड रखने के लिए, खुद को एक तरह से मोटिवेटेड रखने के लिए आपने रीजंस तलाश किए हैं। भले ही आपके और इनके बीच में जो भी एक सिनेरियो है, उन सारी बातों की तरफ आप ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते, और यही वजह है कि आप इन पर एक स्पाई बनाकर रखते होंगे। आप इन्हें टाइम टू टाइम जाकर इनके बारे में पता करने की कोशिश करते होंगे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन उसका पूरा इम्पैक्ट आप अपने ऊपर आने नहीं दे रहे हो। मतलब एक स्ट्रैटेजी कहूँगी मैं, और ये स्ट्रैटेजी आपने तब जाकर बना ली होगी जब आपने इमोशनली खुद को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पाया था, जब इस पर्सन ने या तो आपको छोड़ दिया था, या फिर इनसे आपकी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो तब इन्होंने हो सकता है आपकी तरफ वैसा एक वॉर्म्थ नहीं शो किया होगा, और आप बहुत ज़्यादा टूट गए थे, बिखर गए थे, और आपने यही सोचा होगा कि जब मैं एक वल्नरेबल या वीक पॉइंट पर आ जाती हूँ या आ जाता हूँ, तो मुझे कोई संभालने के लिए नहीं आएगा, मुझे मेरी स्ट्रेंथ खुद से बनना पड़ेगा। तो शायद आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, आप एक ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो कि दूसरी चीज़ें आप पर इम्पैक्ट ना डालें। इस जर्नी में जो भी हो रहा हो, आपके पर्सन के साथ जो भी हो रहा हो, उन सारी बातों को आप दिल पर नहीं लेना चाहते, अपने माइंड को बहुत ही ज़्यादा काम डाउन रखना चाहते हो, और एक तरह की हील्ड एनर्जीज में रहना चाहते हो। ज़्यादा एक केओस नहीं आप हैंडल कर सकते, तो ये एक प्रिपरेशन है टूवर्ड्स योर जर्नी, जहाँ पर आप सब कुछ अलाइनमेंट में लेकर आ सकें। हो सकता है बहुत सारे लोगों की लाइफ के अदर सिनेरियोज यहाँ पर एक तरह से अलाइनमेंट में नहीं थे, जनरल लेवल्स पर या तो आप स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर। अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो तो याद रखना गाइस, आपकी लाइफ के बहुत सारे एरिया सफ़र कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा एवरी टाइम कि अपने आप को पहले ग्राउंड करने की कोशिश कीजिए, खुद को इस तरह से ग्रो करने की कोशिश कीजिए कि बाकी सारी चीज़ों का इम्पैक्ट आपके करियर फ्रंट पर या आपके फाइनेंशियल फ्रंट पर ना आने पाए। आपको खुद में वो सिक्योरिटी हासिल करना पड़ेगा। अगर लव रिलेशनशिप पर आप अपना पूरा फोकस लगाकर अपने करियर को छोड़ दोगे, अपने फाइनेंसेस को छोड़ दोगे, तो अंत में आप सफ़र करोगे, और बहुत सारे लव रिलेशनशिप्स एक तरह के लिम्बो में रहते हैं। हमें पता नहीं होता कि वो जो कनेक्शन है वो हमारे लिए सही है या नहीं, या फ्रूविशन देगा या नहीं, क्या क्या एंगल्स आ सकते हैं, क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं, वी डोंट नो।
हम बस एक वाइब के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन उस जर्नी में भी आपको खुद पर ध्यान देना पड़ेगा, खुद के लिए आपको कमाना पड़ेगा, फाइनेंसिस पर वर्क करना पड़ेगा। एंड इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आखिर आपकी फैमिली लाइफ सफ़र हो रही है, आपके बच्चे हैं या फिर आपके पेरेंट्स पर मतलब आपके पेरेंट्स की आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप उन्हें छोड़ दोगे इन सारे चक्करों में तो वो भी सही नहीं है। आपको सारी चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ेगा। एंड और एक एरिया आता है फ्रेंडशिप का, अगर आपके फ्रेंड्स लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर लव रिलेशनशिप, तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि हमारे लाइफ में सभी का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, हम किसी के लिए किसी को नहीं छोड़ सकते। इन सारी चीज़ों के साथ आज आप एक कैलकुलेशन में आ रहे होंगे, आपका थॉट प्रोसेस इस तरह से वर्क कर रहा होगा कि मुझे मेरे लिए सफिशिएंट होना पड़ेगा, मुझे खुद में वो एक बैलेंस लाना पड़ेगा, मैं हर बार हर वक्त किसी एक इंसान की वजह से खुद को सफरिंग्स में नहीं रख सकती या सफरिंग्स में नहीं रख सकता, मुझे मेरी ज़िंदगी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। फाइन, तो अगर आज की एनर्जी आपके साथ इस तरह से मैच कर रही है तो ज़रूर आप एक बैलेंसिंग एक्ट में आने की कोशिश कर रहे हो और यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू इन दैट। जैसे कि मैंने एग्जैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फ्रूडे में बता दिया था, अगर वो एनर्जी भी आप देखना चाहते हो तो वहाँ से गाइडेंस आप ज़रूर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। गाइज, वहाँ पर मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं आपको जो कि आपको इस शिफ्ट को समझने में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। एंड ऑन द फीलिंग्स फ्रंट, आप यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड द जस्टिस वाली एनर्जीज में इन्हें देख रहे हो, तो एक पैशन आप इनके लिए महसूस करते हो, एक लव आप इनके लिए महसूस करते हो, वो एक ऐसा लव होगा जो कि अनकंडीशनल लव है। वहाँ पर आप डिफरेंसेस वगैरह नहीं देखते हो और ये भी नहीं काउंट करते हो कि ये रिश्ता कहाँ पर जा रहा है, यहाँ पर क्या रिजल्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को भी आप एट टाइम्स नहीं देखते होंगे, क्योंकि इस पर्सन के साथ जो आपकी वाइब मैच होती है वो आपको समझ में आ गई है, ऐसा रिश्ता मुझे इस दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकता। इनके साथ जो भी एक ब्लिस महसूस होता होगा आपको, जो भी एक कनेक्टिविटी महसूस होती होगी और आपकी इवन स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी होगी एक दूसरे के साथ, कि आप इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो कि आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो एक दूसरे को, तो उन सारी बातों को आप डिनाई नहीं करते हो। और आपका शायद यहाँ पर अप्रोच बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना चाहते, आप किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं यहाँ पर रखना चाहते, आप शायद यूनिवर्स से जस्टिस सीख करते होंगे, कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर ये पर्सन आपकी एक मैनिफेस्टेशन है तो आप कि मैनिफेस्टेशन आप डिवाइन से मांग रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, जो भी आपकी विशेस हैं, डिज़ायर्स हैं, आप वहाँ से आपने एक उम्मीद रखी है, इस पर्सन से आपने कोई उम्मीद नहीं रखी होगी, इसीलिए आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा लाइट वेज में बना हुआ है। यू गाइज आर नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग एनी थिंग, इवन दो आपको बहुत ज़्यादा एक तरह का स्ट्रगल भी महसूस होता होगा एट टाइम्स, कि क्या मैं यहाँ से वॉक अवे कर जाऊँ, क्या मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस में बनी रहूँ या फिर मुझे यहाँ पर बढ़ना ही नहीं है, ऐसा आपको एक थॉट आता भी होगा। लेकिन फिर आप यहाँ पर बुलाए जाते हो, क्योंकि कुछ लोग हमारी लाइफ में एक ऐसे पर्पस की वजह से हमसे जुड़ जाते हैं जहाँ पर या तो वो हमें लर्निंग्स दे रहे होते हैं, या फिर उनके साथ हमारा या तो कोई सोल पर्पस बना रहता है, या फिर उस पर्सन के साथ हमारी सच में एक कंप्लीशन होती है जिसको हम लव ऑफ अ लाइफ टाइम कह सकते हैं। तो अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपको ये बात समझनी होगी गैस, कि यहाँ पर जो टाइम है वो आपके हिसाब से नहीं आएगा, वो टाइम डिवाइन टाइमिंग रहेगा और आप किसी भी चीज़ को किसी भी मैनर में कंट्रोल नहीं कर सकते। इनके भी लाइफ में कार्मिक पैटर्न्स हो सकते हैं और आपकी भी लाइफ में कार्मिक एंगल्स हो सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें अगर एक जस्टिस चाहिए तो वो जस्टिस हमें सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स और डिवाइन की तरफ, क्योंकि डिवाइन इज़ द अल्टीमेट पावर और हमारे लिए जो लिखा गया है, हमारी जो किस्मत है वही हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा। तो ये बात बहुत सारे लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसीलिए शायद आप खुद को पहले ग्राउंड करना चाहते हो, खुद को सिक्योर्ड रखना चाहते हो, खुद को अलाइनमेंट में रखना चाहते हो, बैलेंस्ड रखना चाहते हो, कहीं पर भी आप हारना नहीं चाहते, क्योंकि एक रीज़न
आपको शैटर करने के लिए काफ़ी होता है गाइस। अगर इस पर्सन ने आपसे बात नहीं की, कम्युनिकेट नहीं किया, तो आप बहुत जल्दी शायद इस चीज़ से अफेक्टेड हो जाते हो और अब आप ये सिनेरियो रिपीट नहीं करना चाहते। इट्स अ मैच्योरिटी, ये आपकी एक विजडम है, एक मैच्योरिटी है, एक एक्सपीरियंस्ड लेवल है आपका, इमोशनल बैलेंस है आपका, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जिस किसी की भी ये आज की एनर्जीज हैं, उन्होंने बहुत कुछ अपने आप को एक तरह से ग्राउंड कर लिया है, हील कर लिया है और रास्ता समझ गए हो आप, स्ट्रैटेजी समझ गए हो कि इसी वेज में हमें चलना है। जो हो रहा है जैसे हो रहा है होने दो। इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिनेरियो होगा, इनकी लाइफ में और भी लोग होंगे जो इनका अटेंशन चुराते रहते हैं, और आपको ये बात अच्छे से पता है कि आपके पर्सन ऐसे ही होंगे कि इनका ज़्यादातर जो ध्यान है, अटेंशन है, पहले उन लोगों की तरफ ज़्यादा बढ़ता होगा, उसके बाद ये आपकी तरफ एक टाइम या फिर एक अटेंशन देते होंगे। और इस बात को आप अच्छे से जानते हुए भी खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी एक मैच्योरिटी ही मैं कहूँगी, क्योंकि आप इनके पैटर्न्स को समझ गए हो। लेकिन आप ये भी डिनाई नहीं कर रहे हो कि इनके साथ आपको क्या फील होता है, तो फीलिंग्स को ना डिनाई करते हुए सिचुएशंस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी आप प्लान कर रहे हो। ये एनर्जी आपकी एग्जैक्टली। तो ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन की एनर्जीज क्या कहती हैं, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, द टेम्परेंस, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ कॉइंस, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, एंड फीलिंग्स वाइज द एम्परर, नाइन ऑफ कॉइंस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन भी आपके अंदर वो एक बैलेंस देख रहे हैं, इसी वजह से ये आपकी तरफ वो एक ट्रस्ट बिल्टअप कर पा रहे हैं कि यस आई कैन फाइट फॉर इट, आई कैन कॉन्कर दिस रिलेशनशिप। इवन दो हम दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन हैं और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं यहाँ पर, जिसको मैं कॉन्कर कर लूँगा या कर लूँगी, और अभी जो एक पेस आपने बनाया है, एंड फॉर दैट दे आर थैंकिंग यू, कि इनको अभी खुशी है कि आपने एक जो भी सिनेरियो या फिर एक जो भी एम्बियंस यहाँ पर बना कर रखा है, क्या बहुत ही सोच समझकर एक समझदारी आपने यहाँ पर बिठाने की कोशिश की है। अगर लिटरली कम्युनिकेट करके आपने इनसे बताया है कि मेरा ये प्लान है या फिर मैं इस तरह से चलूँगी या चलूँगा, तो आपके पर्सन इस बात से बहुत ज़्यादा आपके साथ सहमति रख रहे हैं, एंड दे आर कमिटेड टू यू। मतलब इस बात पर या फिर इस ग्राउंड पर तो एटलीस्ट दे आर कमिटेड विथ यू कि हाँ, बहुत ही सही सोच है आपकी। जब आप मेरी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हो या फिर मेरी प्रॉब्लम्स को जब आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो मैं भी आपकी तरफ वो अंडरस्टैंडिंग शो करूँगा या करूँगी। और हमने आज एक एनर्जी देखी थी जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके पर्सन आपके लिए वो एक डिज़ायर बिल्टअप कर रहे हैं और एक पैशन वो सेंस कर रहे हैं, एक यू नो फैंटसाइजिंग कनेक्टिविटी, इवन लव नोट्स आप एक दूसरे की तरफ शेयर कर सकते हो, एक दूसरे को आई लव यू कह सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही होंगी आपस में। आप दोनों एक्सचेंज अगर कर रहे हो, प्यार के बारे में इजहार कर रहे हो, या फिर आपके पर्सन कुछ ऐसे सॉन्ग्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं जहाँ पर अपनी फीलिंग्स का ये इजहार कर रहे हैं, तो ऐसा भी सिनेरियो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि आपके पर्सन क्योंकि खुश हैं आपसे, क्योंकि ये आपके साथ बहुत ही लॉन्ग टर्म की प्लानिंग्स देखते हैं और इनको ये लगता है कि मैं अंत में कभी ना कभी ज़रूर अपने पर्सन के लिए इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊंगा, यू नो, और इस कनेक्शन को मैं कंप्लीशन की तरफ ले जाऊंगा। अगर इनकी ऐसी फीलिंग्स हैं तो ज़रूर यहाँ पर मुझे नज़र भी आ रहा है, दे आर जस्ट इन्वेस्टेड इन दिस कनेक्शन और ये इस पर वर्क करना चाहते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, द एम्परर, नाइन ऑफ कॉइंस एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है आपके पर्सन ने अगर अभी इस टाइम फ्रेम में आपसे ये बातें लिटरली कह दी हैं कि ये इस कनेक्शन को कम्प्लीशन की तरफ ले जाएंगे, तो ट्रस्ट है। अगर इन्होंने नहीं कहा है तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर इनकी ऐसी ही कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं कि दे रियली वॉन्ट टू अचीव दिस, दे रियली वॉन्ट टू हैव दिस, और इस चीज़ के लिए ये खुद में एक एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, खुद में एक चार्ज ले रहे हैं कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है, इस चीज़ से हम गिव अप नहीं कर सकते। भले ही हमारे एंड पर या उनके एंड पर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन उन डिफरेंसेस को हम काउंट करके इतने ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप को लेट गो होने नहीं दे सकते, हम जाने नहीं दे सकते, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये आपके पर्सन की एक थिंकिंग है, एक
सेल्फ रियलाइजेशन है कि ये कुछ करना ज़रूर चाहेंगे आपके लिए, क्योंकि आप इनके डिज़ायर हो, आप इनके लिए एक डिज़ायर बन रहे हो, धीरे धीरे ये आपको क्रेव कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं यूनिवर्स से, ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो फाइनली वेयर द सिचुएशन इज़ लीडिंग, जो कि हमने आज एक विक्ट्री का कार्ड देखा था, तो यहाँ पर हम क्या आउटकम के लिए एनर्जीज देख सकते हैं, जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, 10 of Wands द फूल, द एम्प्रेस जजमेंट, 2 of Swords, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 of Cups, 8 of Cups। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। यहाँ पर एक फैसले की घड़ी ज़रूर आने वाली है आपके पर्सन के लाइफ में। अगर फैसला इनके हाथ में है तो दे विल बी एबल टू डिसाइड समथिंग हियर, जो कि मुझे लगता है कि ये अपने डिज़ायर्स पर वर्क करना चाहेंगे। इनकी लाइफ में जो भी सिनेरियो हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, जितना भी बर्डन अभी ये झेल रहे हों, जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बर्डन कह लो, या फिर अगर लिटरल कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है, जो भी इनकी लाइफ में चल रहा है, ये वहाँ से ब्रेक थ्रू होकर आपकी तरफ हो सकता है कुछ ऑफर करना चाहेंगे। और मुझे लगता है यहाँ पर अपोलॉजी आने वाली है। अगर इन्होंने आपके साथ पास्ट इवेंट्स के चलते कुछ गलत किया है, या फिर अभी राइट नाउ भी अगर ये आपकी तरफ इनफ टाइम या अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग होंगे जो इनका टाइम ले लेते हैं और अंत में आपकी तरफ कुछ नहीं बचता होगा, ये लास्ट में आपकी तरफ पड़ते होंगे, तो ऐसा अगर इन्होंने कुछ कहा है तो मुझे लगता है ये आपकी तरफ एक अपोलॉजी लेकर आ रहे हैं। दे आर अपोलोजिटिक अबाउट इट, और ये इस चीज़ को या तो अपने शब्दों के ज़रिए जाहिर कर सकते हैं, या फिर किसी एक ब्यूटीफुल से सॉन्ग के फॉर्म में, या लिरिक्स के फॉर्म में, पोस्ट के फॉर्म में, जिस भी तरह की आपकी दोनों की कम्युनिकेशन होती है उस तरह से ये आपको ज़रूर बताएंगे। और अगर फैसला है यहाँ पर, एक फैसला लिटरली इन्हें कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है, तो इनका डिसीजन आप देखोगे कि ये अपनी डिज़ायर को चूज़ करेंगे, और आपको बहुत ही बेहतर पता होगा कि इनकी डिज़ायर क्या है। और अगर इनकी डिज़ायर आपके साथ एक यूनियन में आना है तो यस, दैट इज़ गोना हैपन। और मैंने आज आपको एक बात बताई थी कि विक्ट्री का कार्ड हमने देखा था, विक्ट्री कैन बी एनीथिंग फॉर एनीवन। यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स हैं। आपके लिए विक्ट्री क्या है वो आपको मिलने वाली है, मतलब आपके पर्सन ऐसा एक्शन लेंगे जिसमें आपकी विक्ट्री होगी। अब आप सोच लीजिएगा कि आपकी विक्ट्री किस चीज़ में है, और वो आपके पर्सन की डिज़ायर है। मैंने जैसे कि कहा ना, अगर आप दोनों की म्यूचुअल डिज़ायर है तब तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि अगर आप दोनों की म्यूचुअल डिज़ायर एक दूसरे के साथ यूनियन में आना है तो इस बात की कंफर्मेशन आपके पर्सन आपकी तरफ ला कर दे सकते हैं। और अगर आपके सामने ये अपने प्यार को अभी तक कन्फेस नहीं कर पाए हैं तो अपने प्यार को ये ज़रूर जाहिर करेंगे, ये विक्ट्री हो सकती है आपकी। और बाकी सारे अदर लोगों के लिए अगर कम्युनिकेशन एक प्रॉब्लम बन गई है और आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं करते, ब्लॉक्ड हो आप इनसे या फिर जो भी है, वो ब्लॉक हटेगा और ये आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग डिफरेंट सिनेरियोज में विक्ट्री आपको प्राप्त होने वाली है, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए एक अपोलोजिटिक वेज में आपके पर्सन आकर आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। फाइन, तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम लोग ज़रूर लेंगे गाइस। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।